गाइस आज हम सब ये वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीटी की धारा 300-4A के बारे में। कब कोई व्यक्ति पर आईपीटी की धारा 300-4A लगता है और गाइस ये व्यक्ति कौन सी गलती करता है, तब गाइस ये व्यक्ति पे आईपीटी की धारा 300-4A लगता है और गाइस इसको कितने रुपए का फाइन भरना पड़ सकता है और कितने ओवर तक जेल का हवा खाना पड़ सकता है। गाइस मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊंगा। मान लो गाइस मैं कहता हूँ व्यक्ति हूँ कि मैं ओला में अपना गाड़ी चलाता हूँ और गाइस मैं अपना गाड़ी लेकर रोड पर निकला हूँ गाइस, और मेरे पीछे एक ट्रक आ रही है। ये ट्रक का आदमी है, ये ट्रक का दूसरा वाला व्यक्ति है, ये दारू पीकर ड्राइव कर रहा है और गाइस ये अनजाने में गाइस मेरी गाड़ी को धक्का मार देता है और गाइस मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तब गाइस ये ट्रक वाले पर कितना धारा लगेगा? गाइस ये ट्रक वाले पे आईपीटी की धारा 300-4A लगेगा और गाइस इसमें ना मेरी गलती है ना ट्रक वाले की गलती है। ट्रक वाले की इसलिए गलती नहीं है क्योंकि गाइस ट्रक वाला नशे में है और ट्रक वाला दारू पीकर गाड़ी चला रहा है, और क्योंकि गाइस ये ट्रक वाला था इसका मेरे को मारने का कोई प्लान नहीं था, इतने लापरवाही हो गया था, इसलिए गाइस मेरी इसमें मौत हो जाती है। इसलिए गाइस ये ट्रक वाले पे आईपीटी की धारा 300-4A लगाया जाता है और गाइस मैं आपको बता देता हूँ आईपीटी की धारा 300-4A लगने के बाद ये ट्रक वाले को कितने तालों का कितने रुपए का दंड इसको भोगना पड़ सकता है। गाइस ये ट्रक वाले को गाइस 3,000 से लेकर 5,000 रुपए का दंड भोगना पड़ सकता है और गाइस इसको कितने तालों की सजा हो सकती है? देखो गाइस ये ट्रक वाला पहली बार एक्सीडेंट करेगा, मतलब पहली बार से लापरवाही गाइस इतने पहली बार होगी क्योंकि गाइस इतने पहली बार दारू पीकर गाड़ी चला रहा है और गलती से मेरा एक्सीडेंट पहली बार वो ट्रक वाला करेगा, तब गाइस इसको 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है और गाइस ये ट्रक वाला दोबारा इतना एक्सीडेंट करेगा तो गाइस इसको 10 वर्ष तक की भी सजा हो सकती है। गाइस ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। जय हिंद।